कामठी रोड स्थित होप हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज महिला का शव नहीं दिए जाने से परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। मृत महिला के पति ने कुछ अपने मित्रों के साथ हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की तथा रिसेप्शन काउंटर जलाने का प्रयास भी किया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पांचपौली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब तक के पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर उनकी तफ्तीश जारी है। पुलिस के अनुसार 30 मार्च को सुनीता पाली को होप हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था। जांच में उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस बीच शनिवार की सुबह 11 बजे सुनीता की मौत हो गई। उसके बाद सुनीता का पति राकेश और उसके परिचित शव लेने अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने शव देने से मना कर दिया। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इसकी जानकारी मनपा को दी जाएगी और मनपा को ही शव सुपुर्द करना पड़ता है। इस बात को लेकर परिजनों विवाद किया। दोपहर 3 बजे के बाद मृतका का पति अपने कुछ मित्रों के साथ अस्पताल पहुंचा। उसके बाद अस्पताल में हंगामा करते हुए कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की। अस्पताल का रिसेप्शन काउंटर जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान घटना की जानकारी पांचपावली पुलिस को दी गई। जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी के नेतृत्व में पांचपावली थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले मौके पर पहुंचे। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में कर हंगामा करने वाले 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जहाँ पे एक गरीब महिला की मौत हुई है, उसकी डेड बॉडी यहाँ रोक के रखी गई है, उससे जबरन 1.5 लाख रुपए की अगुवाई कर रहे हैं। जब उस परिवार के सदस्यों के साथ मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ के चीफ हेड स्वामी इन्होंने मेरे ऊपर अपने साथियों से हमला किया। इतना ही ने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंकने की कोशिश की और जब यहाँ से हुजूम बढ़ा आज वो अस्पताल छोड़कर गायब है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन को इस बात से आगाह करा देना चाहता हूँ कि होप हॉस्पिटल उत्तर नागपुर का एक शमशान घाट है, जहाँ जो भी लोग आते हैं जिंदा तो आते हैं लेकिन मर के वापस जाते हैं, और ऐसा अत्याचार मैं विधर में कतई होने नहीं दूंगा। और इसके जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है ये भी इस प्रकरण में शामिल है। ये होप हॉस्पिटल में यहाँ पर एक पेशेंट है जो मंगलवार के दिन यहाँ होप हॉस्पिटल में भर्ती किए थे और यहाँ पर उन्होंने 40,000 रुपये ले चुके। कल 50,000 रुपये मांग रहे थे और 50,000 रुपये नहीं देने के बाद 20,000 रुपये जमा किए, तो उनका कहना यह है कि लाश लेके जाना। तो यह इस तरीके से ऐसे यहाँ पर होप हॉस्पिटल में चालू है। ऐसे हॉस्पिटल पर पाबंदी लगने को ना और इनके हत्या का गुनाह दाखिल होने को ना। आज मैं इसका इस होप हॉस्पिटल का निषेध करता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से पैसे की उगाही कर रहे हैं और इन्होंने बाउंसर के नाम से गुंडे पाल के रखे हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं। एक पत्रकार ओम प्रकाश साहू पर हमला किया है, ऐसे डॉक्टरों पर और इनसे बाउंसरों पर इनके गुंडों पर केस लगने को ना, गुनाह दाखिल होने को ना। और जो एक मृत्यु होगी, एक पहली परिवार की एक 35 साल की महिला जिस पे जो मर चुकी है, उसके बावजूद भी आप पैसे ले रहे हैं, उस पे इस होप हॉस्पिटल के डॉक्टर पे हत्या का आरोप और हत्या का केस मुकदमा दर्ज होने को ना। मैं शासन से प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे अन्याय अत्याचार के ऊपर कार्रवाई होने को ना, ताकि इस होप हॉस्पिटल पे और कोई लोग मरने को नहीं होना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।